हेलो गाइस, वेलकम टू रफ्तार ब्लॉग। तो आज मैं आप लोग को लेके आया। तो सर, आपका नाम जान सकता हूँ एक बार? मिस्टर कुमार शर्मा। और ये मैं अभी फ़िलहाल आपका यहाँ शॉप का नाम सुन के आया, काफ़ी ओम इंटरप्राइज। तो ये ओम इंटरप्राइज में मुझे एक चीज़ जानना था, जैसे यहाँ पे आप लोग जो ग्लास का जो शॉप है, उसमें किस टाइप का ग्लास आप लोग के पास में मिलेगा और कैसा सिस्टम का मतलब है, और हर किस्म का ग्लास आप लोग के पास में है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपको वेलकम। हमारे पास हर किस्म का ग्लास है। हेलो गाइस, वेलकम टू रफ्तार ब्लॉग। तो आज मैं आप लोग को लेके आया यहाँ डिमापुर एमएसटी जो है, इसमें एक आपको ग्लास का दुकान, जो कि शीशा का शॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा शीशा, आपको हर किस्म का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे जो कुछ भाई साहब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोग से भी बातचीत एक बार करते हैं, और यहाँ पे कौन सा शीशा मिलता है आप लोग को एक बार बता देंगे, क्योंकि ये शीशा हर इंसान को ज़रूरत है। घर बनाने से शीशा ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें शायद गाड़ी का भी मिल सकता है मेरा ख्याल से। तो ये लोग से एक बार बात करते हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो मैं अभी आपके पास में मिलने आया था, यहाँ पे सुना था आप लोग का यहाँ पे। हेलो सर, कैसे हैं? फाइन। तो सर, आपका नाम जान सकता हूँ एक बार? मिस्टर कुमार शर्मा। और ये मैं अभी फ़िलहाल आपका यहाँ शॉप का नाम सुन के आया, काफ़ी ओम इंटरप्राइज। तो ये ओम इंटरप्राइज में मुझे एक चीज़ जानना था, जैसे यहाँ पे आप लोग जो ग्लास का जो शॉप है, उसमें किस टाइप का ग्लास आप लोग के पास में मिलेगा और कैसा सिस्टम का मतलब है, और हर किस्म का ग्लास आप लोग के पास में है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपको वेलकम। हमारे पास हर किस्म का ग्लास है। अच्छा, 4 mm हो गया, 5 mm हो गया, 6 mm हो गया, 8 mm हो गया, 10 mm हो गया, 12 mm हो गया, हर किस्म का, ब्लैक, क्लियर, फ्रॉस्टेड मिरर, लुकिंग मिरर, सब हम लोग के पास ग्लास है। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे यहाँ पे जैसे कोई घर में जो किस टाइप का भी घर बनाने से, जैसे कोई ब्लैक कलर का या फिर कोई जैसे 18 mm का, इसके बाद में 12 mm का, 16 mm का, जैसे मतलब कोई भी घर में किस टाइप का ग्लास भी आप लोगों के पास में मिल जाएगा? सब मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये ऑर्डर देने से मिल जाएगा या फिर आप लोगों को फिर टाइम लेना पड़ेगा या फिर तुरंत भी मिल जाएगा? जैसे नहीं, अगर ग्लास का क्वांटिटी कमती है, अच्छा, आज ही दे देता हूँ, डिलीवरी आज ही हो जाता है। और यह क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम 1-2 दिन टाइम लेके उसको काट के देना पड़ता है। अच्छा, और उसमें हम लोग को पॉलिश भी करना पड़ता है, अगर मोटा ग्लास है तो उसको पॉलिश करके देना पड़ता है। अच्छा, शार्पनेस को उसको हटाना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये कौन सा ग्लास है? ये हो गया बेबलिंग। अच्छा, 12 mm ग्लास है, बेबलिंग का डिज़ाइन है, ये काफ़ी मोटा है ना? मोटा है। तो इसके इधर दिखाई होगा, इसका चौड़ाई इस तरह ऐसे थिकनेस ही है। ये कितना mm का है? 12 mm है। अच्छा अच्छा, 12 mm का, 12 mm का ग्लास है ये सब हम लोग। तो ये किस चीज़ में लगता है? ये सब टेबल के लिए, ज्यादा डाइनिंग टेबल के लिए बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, पार्टीशन के लिए। अच्छा अच्छा, बड़ा बड़ा शोरूम में फ्रंट में ग्लास रहता है, यही ग्लास है। अच्छा, वो जो दरवाजा में जो यूज होता है वही है ना? सेम ग्लास है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ अगर जरूर जानकारी अगर लेना होगा फिर आपसे पूछ लेंगे, सो थैंक यू। तो सर, आपका ये दुकान का एड्रेस एक बार बता देंगे प्लीज़? ये एड्रेस हो गया एमएसटी मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट, नियर डिमापुर स्विमिंग बाप्टिस्ट चर्च, इसके पास। तो आप लोग का ये कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं? ओके ओके दी, प्लीज। तो नंबर एक बार बोल भी सकते हैं, मैं बाद में ले लूँगा आपसे नंबर, एक बार नंबर बोल दीजिए, कोई बात नहीं। 8787630985। ये जो ये हो गया 4 mm वन वे सन रिफ्लेक्ट। अच्छा अच्छा, तो ये लगाने से हो गया बाहर से अंदर नहीं देखता है, ये ग्लास है ये। अच्छा, और ये कौन सा ग्लास है? ये ग्लास हो गया फ्रॉस्टेड, 4 mm फ्रॉस्टेड है ये। अच्छा, स्पेशली बाथरूम लोग के लिए यूज किया जाता है, तो एकदम ये दिखाई नहीं देता थोड़ा। मैं अभी फिलहाल लेके आया, जैसे वहाँ से इनका जो शॉप है, बड़ा वाला जो स्टोर है, यहाँ पे लेके आया। तो यहाँ पे कुछ आइटम पूछेंगे आप लोग, देखिए कौन सा ग्लास किस काम का है, थोड़ा मुझे जानकारी लेना है। ये हो गया मिरर, 6 mm का है। अच्छा, 6 mm मिरर है ये। अच्छा, और यहाँ पे है और बाकी सब। अच्छा, क्लियर भी बोला जाता है, प्लेन भी बोला जाता है। अच्छा, ये हो गया 4 mm वन वे ब्लू। अच्छा, जो बाहर से अंदर नहीं दिखने वाला ग्लास, विंडो ग्लास है ये। अच्छा, ये भी 4 mm प्लेन, सब एक ही है, लेकिन साइज पे डिफरेंस है। अच्छा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, 4 mm प्लेन, 4 mm प्लेन। अच्छा,
हो गया 4mm ब्लू, अच्छा विंडो के लिए ये भी, और ये हो गया रोज बॉल 4mm रोज बॉल। अच्छा, एक ग्लास जो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ टेबल में जो दिखाया था काफ़ी मोटा सा है, और उसको फिनिशिंग कैसे करते हैं उस बारे में कुछ पूछते हैं। तो सर इसको कैसे मतलब ये फिनिशिंग करते हैं, या फिर ये तो काफ़ी धार है, इसको कैसे बनाते हैं? और सब ये तो हो गया 12mm ग्लास ना। अच्छा, इसको हम लोग फिनिशिंग देते हैं या मशीन है हम लोग। हाँ, ये ग्राइंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, ग्राइंडर से पूरा मारने के बाद ये 12 मशीन में ले जाएगा पॉलिश में। अच्छा अच्छा, पॉलिश करने के बाद में वो 12 मशीन में ले जाएगा फिर से। तो सर ये मशीन के बाद में क्या करते हैं? अच्छा, ये मशीन में क्या काम होता है? जैसे गैसलिंग करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, शाइनिंग देने के लिए। अच्छा अच्छा, अब वो जो मतलब काफ़ी धार था वो तो इसमें, वो मशीन में छोटा मशीन में ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा। और इसमें मतलब सिर्फ शाइनिंग के लिए, शाइनिंग के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और फिर कुछ अगर जानकारी आपसे लेना होगा फिर आपसे मिलेंगे। तो गाइस मैं आप लोग को बता दिया जैसे यहाँ पे ग्लास का सिस्टम कैसा होता है, और ये जो काफ़ी धार होता है ग्लास का, तो ग्लास को मतलब काट के कैसे फिनिशिंग करते हैं, कैसा शाइनिंग निकालते हैं, उस बारे में मैं आप लोग को बता दिया। और देख सकते हैं ये एरिया काफ़ी बड़ा है, और आप लोग मतलब यहाँ पर आके आप लोग ऑर्डर भी दे सकते हैं, और ऑर्डर देके आप लोग को जब चाहे तब भी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा अगर चाहिए क्वांटिटी तो आप ऑर्डर से 2-4 दिन बाद में भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और एक दूसरे को देखने का मौका दीजिएगा, क्योंकि नागालैंड में हो कहीं भी जगह में हो ग्लास का हमेशा ज़रूरत पड़ता है। घर बनाने से आप लोग को ग्लास का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि MST में है सुना हुआ, लेकिन कौन सा जगह में ये मालूम नहीं। तो ये खैरमल जो आप भट्टाचार्यली से निकलेंगे तो आपको यह पहला ये हिल स्टार सिनेमा हॉल मिलेगा। हिल स्टार सिनेमा हॉल पार होके आगे थोड़ा सा एक मोड़ आएगा, उसके बाद में आपको MST का जो मणिपुरी सोमस्टेन इसके अंदर में आके आप लोग को ओम एंटरप्राइज पूछना है, आप लोग को मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।